इसकी कंडीशन क्या था कि इट्स अ टाइम डिले रे केएस में पार्किंग एंगेज होना चाहिए न्यूट्रल होना चाहिए, मशीन न्यूट्रल में है और इंजन रनिंग कंडीशन में थ्रॉटल स्विच ऑफ हैंड थ्रॉटल ऑफ सो इस सिचुएशन में मशीन अगर 240 घंटा 240 सेकंड 240 सेकंड रन कर फॉर मिनट दैट इज 4 मिनट्स जो K3S रिले इसकी कॉइल एनर्जी इज इसी कॉइल एक्टिवेटर थी क्या ये जो सप्लाई आ रहा था दीज आर नॉर्मल सप्लाई सब चाबी ऑन करते ये सप्लाई आ रहा था ये जो सप्लाई के कॉन्टैक्ट जो है K3S की कॉन्टैक्ट नंबर 15 16 और 18 ये सप्लाई आ रहा है and it will energize this K4 and K304 दोनों K4 की कांटेक्ट कहाँ है अब K4 की कांटेक्ट पहले हम लोग का क्या था इधर नॉर्मली क्लोज वंस K4 energize ये लाइन कट गई K4 की कांटेक्ट कटने से जो सप्लाई आ रहा था K16 में बंद हो गया मतलब कॉइल डीएनर्जीज होते क्या होगा K16 की जो सप्लाई इस साइड में जा रहा था अल्टीमेटली इस साइड होते हुए ये कहां जा रहा था E1 में तो E1 की 24 वोल्ट ये कट गया सो वंस यू डीएनर्जीज दिस यहां पे सप्लाई नहीं है 24 वोल्ट की सप्लाई नहीं है लाइन आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है इंजन इंजेक्टर पे सप्लाई देना बंद करेगा सप्लाई E1 से आएगा कब जब हमारे मशीन ऑन भी नहीं एट एनी कंडीशन यहाँ पे सप्लाई आएगी और इसकी डिले को एनर्जाइज करते हुए ग्राउंड है These actually are the ones.